हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग ऑफ माय पेज। ये मैं पहला व्लॉग शूट करने जा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको अपने टाटा पंच के बारे में विस्तार से बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे, क्या इसकी माइलेज है, क्या चलती कैसे है ये, इसका लुक कैसा है और अगर हम इसे और किसी गाड़ी से कंपेयर करें तो उसमें क्या है इसका, सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। पहला तो ये गाड़ी जो ऑन रोड कॉस्ट करती है, ये गाड़ी कॉस्ट करती है हमें 6,50,000 की, जो अभी तक का प्राइस है। यानी मैंने ये ली है 16 जून 2023 को, तो ये 6.5 लाख रुपए की कॉस्ट करी है मुझे ऑन रोड। इसके बाद अभी इसका प्राइस 10,000 बढ़ चुका है और ये टाटा पंच CNG में भी लॉन्च हो चुकी है, बट ये CNG नहीं है, ये पेट्रोल है और पेट्रोल में ये 6.5 लाख की कॉस्ट करती है बेस मॉडल। इसमें आपको बेस मॉडल में कुछ भी एसेसरीज वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, इसमें आपको ओनली सिर्फ गाड़ी और सिर्फ गाड़ी ही मिलेगी आपको। आपको कुछ भी एसेसरीज चाहिए तो आप या तो बाहर से परचेज करोगे या अगर आप कंपनी से लगवाना चाहो तो कंपनी से भी लगवा सकते हो, बट कंपनी में क्या है कॉस्ट ही इतना इसका हैवी रह जाएगा, तो फिर आप सोचोगे कि भाई मैं इससे एक अपर मॉडल में चला जाता हूँ, जो इसका एडवेंचर मॉडल है वो इससे अपर मॉडल है, फिर वो आपको 7.5 लाख का कॉस्ट करेगा। बट अगर आप चाहो तो वो ले सकते हो, नहीं तो आप बेस मॉडल लेके भी, क्योंकि इंजन तो सेम है, 1.2 ये भी है और 1.2 वो भी है, तो आप बेस मॉडल लेके बाहर से थोड़ा बहुत काम करवा के उसे टॉप कर सकते हो। और जहाँ तक बात रही वायर कटिंग वगैरह की, जैसे आप ये सिस्टम देख रहे हो, ये स्क्रीन लगवा रखी है और इस गाड़ी में मैंने एम्पलीफायर वूफर वगैरह लगवा रखे हैं, तो उसमें अगर कोई कॉस्ट का बढ़ता है तो हाँ थोड़ा बहुत तो जाता ही है, बट अगर आप ये काम कंपनी से करवाओगे तो कंपनी आपको सिर्फ थोड़ा ये स्पीकर्स वगैरह लागे देगी, और उसमें अभी 56,000 का उनका कॉस्ट कर रहा था, इसलिए मैंने कंपनी से कुछ भी प्रेफर नहीं किया। जो भी मैंने काम करवाया है वो सारा बेस मॉडल 6.5 लाख का लेके अराउंड 50,000 का काम बाहर से करवाया है। इसमें वूफर वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं और सीट कवर्स वगैरह, अगर आप सीट कवर्स देखोगे तो मैंने इसमें बकेट सीट कवर लगवाए हैं विद लेमिनेशन, तो ये सीट कवर काफ़ी कंफर्टेबल है। और गाड़ी की अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस रहेगा 180 का ग्राउंड क्लियरेंस है, काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। और इस रेंज में 6.5 लाख की रेंज में ये मिनी कॉम्पैक्ट SUV, इंडिया की फर्स्ट मिनी कॉम्पैक्ट SUV मानी जाती है। और रेटिंग में ये मैंने गाड़ी इसलिए ली क्योंकि इसका रेटिंग जो है वो 5 स्टार है, मतलब टाटा की गाड़ी तो देखो, बाटा की चप्पल और टाटा की गाड़ी तो नाम से बिकती है, तो ये देख लो कि बस टाटा की गाड़ी इसलिए ली है कि हम अगर बाई चांस कभी हाईवे वगैरह पर जाते हैं या कहीं भी बाहर का टूर बन जाता है तो वहाँ पर अपनी गाड़ी के साथ साथ अपनी सेफ्टी भी ज़रूरी है। 6.5 लाख की गाड़ी तो दोबारा आ जाएगी पर हम दोबारा नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैं टाटा को ही प्रेफर करता हूँ। मेरे पास इससे पहले स्विफ्ट थी, वैगनार थी, बट जब मैं उसको चलाता था तो मुझे ऐसा फील होता था यार मैं कोई कागज़ को चला रहा हूँ, इसलिए मैंने टाटा की तरफ में गया। मेरे बजट के हिसाब से ये टाटा पंच बहुत अच्छी है, इस रेंज में, इससे थोड़े बहुत कम रेंज में आपको वो भी मिल जाएगी टाटा टियागो भी, बट वो थोड़ी सी गाड़ी दबी हुई है, नीचे है, तो इसलिए मैंने टाटा पंच को प्रेफर किया। बाकी बात रही इसके चलने की, परफॉर्मेंस की, तो हाँ परफॉर्मेंस वाइज अगर आप इसे देखोगे तो कंपैरिजन करोगे आप आइटन से या स्विफ्ट से तो इसका पिकअप उतना अच्छा नहीं है, या फिर ये उतनी अच्छा आपको, जैसे आपको किसी को ओवरटेक करना है तो उतना अच्छा ये नहीं परफॉर्मेंस है इसका, थोड़ा अंडर पावर कहा जाए तो थोड़ा सा अंडर पावर है ये गाड़ी, बट अगर आपको उससे कोई इशू नहीं है तो नॉर्मली आपके रनिंग के लिए ये गाड़ी बहुत अच्छी है। इसका जो कैबिन स्पेस है वो कैबिन स्पेस बड़ा है, आपकी जो है वो सेडान गाड़ियाँ होती है उससे कैबिन स्पेस इसका काफ़ी बड़ा है, तो आपको अगर आप फैमिली में अगर पाँच मेंबर हैं और अगर आप सही भी हैं 5 मेंबर तो वो 5 मेंबर के लिए गाड़ी बहुत अच्छी है, क्योंकि स्विफ्ट वगैरह और आइटन वगैरह में 5 मेंबर अगर बैठ जाते हैं तो फिर वो सिर्फ उसके अलावा कोई और बैठ नहीं पाएगा उसमें, या कुछ और मस्ती नहीं हो पाएगी, वो बस बैठ पाएंगे, पर इसमें 5 बंदे बैठने के बाद भी स्पेस बच जाता है, तो इस मामले में ये गाड़ी बहुत अच्छी है। हाँ एवरेज की अगर बात करी जाए तो अगर आप इसे कंपेरिजन करें दूसरी गाड़ियों से तो हाँ स्विफ्ट की जब शुरू में उसकी एवरेज मुझे वो 15 से 16 निकाल के देती थी
और ये टाटा पंच अभी शुरू में 9 से 10 के बीच में इसकी एवरेज आती है। तो हाँ एवरेज है, एवरेज कम इसलिए भी है क्योंकि इसका लोहा इतना इसके अंदर लोहा डाला हुआ है, क्योंकि टाटा है तो इनका तो अपना ही लोहा है, तो एवरेज इसलिए इसकी कम भी है, काफ़ी इसमें लोहा भरा हुआ है इसलिए इसकी एवरेज कम है। लास्ट इसकी एवरेज जाएगी जब मैं इसे 10,000 किलोमीटर तक रन कर लूँगा, तो लास्ट इसकी एवरेज जाएगी अराउंड 15 से 16 के बीच में इसकी एवरेज जाएगी। बट ठीक है, अगर आप एवरेज को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, थोड़ी अंडर पावर है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तो इस रेंज में अगर आपका 6.5-7 लाख का बजट है तो इस रेंज में आपको पंच से बेस्ट गाड़ी नहीं मिल सकती। आगे से देख लो इसे आप, पूरी ब्रेजा लगती है, पूरी एसयूवी लुक देती है, और अगर आप इसमें बैठोगे तो बैठने में भी आपको ऐसा कंफर्टेबल फील होएगा, बिल्कुल एसयूवी टाइप का फील होएगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कहाँ थोड़ी आप ऊपर से जगह पर बैठे हो। तो गाड़ी में कोई इशू नहीं है, गाड़ी एक नंबर की है, बट जो इसकी परफॉर्मेंस है ना, अगर चलने में परफॉर्मेंस इसकी देखी जाए तो परफॉर्मेंस वाइज मुझे शुरू में बहुत डाउन लगती थी। मुझे ऐसा लगता था मैंने क्या ले लिया, मतलब अगर मैं इसे कंपैरिजन करता था अपने स्विफ्ट से, क्योंकि वो भी इसी रेंज की है और ये भी इसी रेंज की है, बट जब मैंने इसे हाईवे पे 150 के उस पर खोला, 150 स्पीड पे, तो क्या परफॉर्मेंस दी इसने। और उसके बाद मानोगे ये गाड़ी ज़मीन से बिल्कुल लग के चल रही थी, मतलब थोड़ा बहुत भी ऐसा फील नहीं हुआ 150 की स्पीड पे भी कि गाड़ी में किसी तरह का कंपन है या डर लग रहा है या कुछ अजीब सा फील हो रहा है, गाड़ी में दम ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था यार गाड़ी बिल्कुल ओके है, और बिल्कुल मेरे को एसयूवी टाइप का फील आ रहा था। बहुत अच्छा फील रहा इसको 150 ले जाने पर भी, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। हाँ अगर देखा जाए तो एज़ पर दिल्ली के उसमें, थोड़े दिल्ली में क्या होगा कि पहले गियर डालने के बाद तो ठीक है पिकअप और गाड़ियों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा है दबाव हल्का सा, लेकिन अगर आप इसे मतलब दूसरा गियर डालोगे तो थोड़ी सी दब जाती है, हल्की सी उस टाइम पे दबती है फिर उठती है। ओवरटेक वगैरह अगर आप चाहोगे तो नॉर्मली इससे ओवरटेक वगैरह ईजिली नहीं कर पाओगे, क्योंकि थोड़ा सा अगर हल्की सी लगा लो अंडर पावर है ये गाड़ी, बट गाड़ी इस रेंज की सबसे बेस्ट गाड़ी है। अभी मैं इसको 60 की स्पीड पे ले जा रहा हूँ, मैंने इसको अभी 80 भी करा, 90 भी किया, 100 भी किया, कोई इशू नहीं है। 60 की स्पीड पे भी ये गाड़ी बिल्कुल ओके चल रही है और स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ गाड़ी है। अगर देखा जाए तो जब मैं शुरू में गाड़ी चलाता था तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अलग सा लगता था, बट जैसे जैसे मैं इसे चलाता जा रहा हूँ वैसे वैसे ये उतनी स्मूथ होती जा रही है गाड़ी। क्या हुआ था, शुरू में ऐसा लगता था जैसे इसे गियर इसके ना अटकते हैं, ऐसा फील होता है गियर अटकते हैं, जैसे ये गियर देख रहे हो आप, ये गियर ऐसा जैसे दूसरे पर डालो या तीसरे पर डालो तो ऐसा फील होता है गियर अटक रहे हैं यार, बट ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, 5-10 दिन ऐसे, तो मतलब थोड़ा सा यार ही लगा लो 500 से 700 किलोमीटर तक का चलने का टाइम लगता है, उसके बाद इसे गियर स्मूथ हो जाएंगे। लेकिन शुरू में थोड़ा सा ना इसे पहला डालोगे आप दूसरा डालोगे तो हल्के से अटके सा फील होगा आपको, बट नहीं गाड़ी ओके है। बाकी मैंने इसमें जो स्पीकर्स वगैरह लगवाए हैं उसके बाद उसकी सराउंडिंग का वो जो वॉइस है, तो वॉइस इसकी बहुत प्यारी आती है। पीछे मैंने वूफर लगवा रखा है और इसका जो बूट स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छा है, बूट स्पेस है इसमें 350 का बूट है, बूट स्पेस 350 लीटर का, और काफ़ी सामान आप उसमें रख सकते हो। इसमें आपको गाड़ी के साथ पार्सल ट्रे मिल जाएगी, वो कंपनी से लगी हुई आती है। और आप देखिए गाड़ी में जो इसके जो मिरर्स हैं वो मिरर्स फोल्डेबल हैं बट वो कंपनी से लगे हुए आते हैं, इलेक्ट्रिकल नहीं है इसके मिरर्स, आपको हाथ से एडजस्ट करने पड़ेंगे ऐसे ना, ऐसे खींचा खोल के आपको खुद एडजस्ट करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिकल आएंगे बट वो उससे ऊपर के मोटर में आएंगे। बाकी इसके जो टायर्स हैं वो 15 इंची के टायर्स हैं, इसके 15 इंची के टायर्स हैं। अलॉय व्हील अगर आप चाहो तो लगवा सकते हो, अगर आप कंपनी से अलॉय व्हील लगवाते हो तो अराउंड आपको कॉस्ट करेंगे 47,000 के लोग, पर वो अलॉय व्हील फिर लगते भी हैं कि हाँ वो सच में अलॉय व्हील है। अगर आप कंपनी के अलॉय व्हील लेते हो तो गाड़ी की परफॉर्मेंस, अगर आपकी गाड़ी की जो एवरेज है वो 15 की है तो अराउंड 16 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जो कंपनी के अलॉय व्हील होते हैं वो काफ़ी लाइट वेटेड होते हैं, काफ़ी लाइट वेटेड है और उस पंच के टाइप से डिज़ाइन कर रखे हैं उसको, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है उसका, और उससे आपकी वारंटी में भी कोई फ़र्क नहीं आता है, कंपनी के अलॉय व्हील्स बेस्ट है। लेकिन अगर आप आफ्टर मार्केट लेते हो तो आफ्टर मार्केट में क्या है, थोड़ा अलॉय व्हील का वेट बढ़ जाएगा,
तो जो आपकी एवरेज 12 आनी है वो सीधा सीधा 11 पे आ जाएगी, 10 पे आ जाएगी एवरेज, क्योंकि वो आफ्टर मार्केट अवेलेबल है। और आफ्टर मार्केट जो अवेलेबल होते हैं वो कुछ टाइम आने के बाद, यानी साल 6 महीने आने के बाद, या फिर साल 6 महीने भी छोड़ दो, बाई चांस आपकी गाड़ी किसी गड्ढे वगैरह में उतरती है या फिर किसी गड्ढे वगैरह में चली जाती है, तो वो क्या है, अलॉय व्हील क्रैक होने का भी डर रहता है, क्रैक हो जाते हैं अलॉय व्हील, क्योंकि इतना अच्छा नहीं होता ना, क्योंकि हम बाहर से ले रहे हैं तो वो पड़ता है हमें 15,000, 16,000, 17,000, और अच्छा लगे जैसे आपने एक्सी का ले लिया तो वो आपको पड़ जाएगा 22-23 हज़ार, बट वो बात नहीं आती जो आपकी कंपनी के अलॉय व्हील में रहे, इसलिए कंपनी के अलॉय व्हील महंगे भी हैं, इससे डबल कॉस्ट पे कंपनी के अलॉय व्हील हैं, बट मैंने इसमें अलॉय व्हील वगैरह कुछ नहीं लगवा रखे हैं एज़ पर बजट, अगर आगे बजट होगा तो मैं लगवाऊंगा, बट वो कंपनी से ही लगवाऊंगा, बट इसमें मैंने व्हील कवर लगवा रखे हैं, वो अराउंड 2500 का कॉस्ट कर रहा है उसने, बट वो व्हील कवर भी ऐसे हैं ब्लैक कलर के कलर में है वो, और व्हील कवर वो ऐसा लगता है जैसे वो अलॉय व्हील से कम नहीं है, जब तक ये है ये चल रहा है, उसके बाद आगे देखेंगे। बाकी मैंने इसमें काफ़ी काम करवाया, जैसे साइड में लोअर गार्निश लगवाया है, डोर वाइज़र, डोर बेडिंग, और मैंने इसके जो ओरिजिनल लाइट्स हैं, हेडलाइट्स हैं, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करी है, क्योंकि जो हेडलाइट्स होते हैं और जो फॉग लैंप होते हैं, अगर आप उसमें बाहर से छेड़खानी करते हो तो मेरा एक्सपीरियंस एक बार का रहा है, मैंने अपनी स्विफ्ट में लगवाया था फॉग लैंप, बट उन्होंने क्या बोला कि बाहर से हम लगा रहे हैं तो इसमें कोई वायर की कटिंग नहीं होगी, बट उन्होंने, मैं तो अंदर बैठा हुआ था, काम हो रहा था, किसी चीज़ में उन्हें दिक्कत आई होगी लगाने में, कुछ ऐसा इशू रहा होगा, तो उन्होंने कंपनी के वायर में हल्का सा कट मार दिया था, जिस वजह से क्या हुआ कि जब मैं एक बार गया था चेकअप करवाने कि यार ये फॉग लैंप है ना जल नहीं रहे हैं, क्या इशू आ गया, तो देखा तो उसमें कट लगा हुआ था, अब वो मानने को भी तैयार नहीं थे कि ये उनसे हुआ है, बट कोई नहीं, इसलिए बाहर से आप अवॉइड करना, ये जो भी इलेक्ट्रिकल काम होगा आपकी गाड़ी में, कुछ भी इलेक्ट्रिकल काम होता है वो आप कंपनी से ही प्रेफर करना, ताकि आपकी गाड़ी का कभी वारंटी अवॉइड नहीं होगी, और वो प्रोफेशनल लोग हैं तो अच्छा काम करके देंगे, होते बाहर वाले भी ठीक है बट उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके पास डेली की 100 गाड़ियाँ आ रही हैं, 50 गाड़ियाँ आ रही हैं, तो वो ठीक है। और बाकी बाहर से जैसे काम है एसेसरीज वगैरह का, या कुछ भी आप बाहर से ऐसा लगवा रहे हो, सीट कवर लगवा रहे हो, ये हैंडल रैप करवा रहे हो, ये लट्टू लगवा रहे हो, कुछ भी ऐसा काम है, जैसे मैंने इसमें वो करवा रखा है, फ्लोरिंग करवा रखी है, तो ये काम आप बाहर से भी करवा सकते हो, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल का कट नहीं है, इसमें नॉर्मल है, तो ये आप बाहर से देख सकते हो आप। हाँ, मैंने जैसे स्पीकर्स लगवाए हैं और ये जो स्क्रीन लगवाई है इसमें भी वायर का है, बट इसमें कपलर टू कपलर लगाया, पर अब फाइनल तब पता चलेगा जब मैं इसे फाइनली देखूंगा कि हाँ हुआ क्या है, जिस दिन सामने आएगा। वैसे अब तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है मुझे, बाहर से भी मैंने लगवाया, काफ़ी अच्छा साउंड है इस गाड़ी का भी, ऊपर लगा काफ़ी मज़ेदार रहता है, अगर हम किसी ट्रिप वगैरह पर निकल जाते हैं मनाली वगैरह, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है अभी तक का मेरा, जो इसका टाटा पंच के साथ जो अभी तक का रहा है मेरा सफ़र, काफ़ी अच्छा है और आगे भी आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छा रहेगा, बाकी अब देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स।